और साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी यहां मौजूद रहे और हमारे संवाददाता राकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत हम करके और जानकारी इस बारे में लेंगे कि किस तरीके से देखिए जो प्रधानमंत्री हैं वो वाराणसी अब जब पहुंच चुके हैं और इस दौरान जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था तो इस दौरान एक जो एम्बुलेंस है वो देखी गई जिसको रास्ता दिया गया, प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एक साइड में आया और उसके बाद इस एम्बुलेंस को आगे निकाला गया जिससे कि वो गंतव्य स्थान तक जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। इस दौरान आप देख सकते हैं जो लोग हैं उनकी भीड़ भी रही और ऐसे में बेहद जरूरी है क्योंकि किसी भी तरह की जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो और खासतौर से एम्बुलेंस जिसमें जो मरीज जाहिर तौर पर है उसको यहां रास्ता दिया गया है प्रधानमंत्री का जो काफिला है उसके द्वारा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर किस तरीके से जो तमाम गाड़ियां हैं काफिला जो है प्रधानमंत्री का वो एक साइड पर आता है और उसके बाद एक जो एम्बुलेंस है वो आगे बढ़ जाती है। तो अपने आप में दृश्य बहुत कुछ संदेश देते हुए कि किस तरीके से क्यों आमजन जो है वो प्रधानमंत्री से इतना जुड़ाव रखता है और पीएम के काफिले के दौरान ये जो एम्बुलेंस को जो रास्ता दिया गया है फिलहाल उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काफिला आगे बढ़ रहा था रोड शो के दौरान की अगर बात की जाए इस दौरान एक एम्बुलेंस जो है उस पे जब नजर जाती है तो उसको रास्ता दे दिया जाता है कि जिससे कि वो आगे बढ़ सके और समय रहते किसी तरह की देरी जो है वो एम्बुलेंस को ना हो उस मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो समय रहते गंतव्य स्थान अस्पताल तक पहुंच सके। तो ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें वाराणसी से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उसके बाद उनके जो काफिला है उसमें हमने देखा कि जो एक एम्बुलेंस है उसको रास्ता दिया गया है। हालांकि दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो भी मौजूद रहे यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान जो एक एम्बुलेंस नजर आई और उसको रास्ता दिया गया आगे निकाला गया प्रधानमंत्री के काफिले से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो एम्बुलेंस है फिर प्रधानमंत्री के काफिले से आगे निकल जाती है क्योंकि समय रहते जो मरीज है उसका अस्पताल पहुंचना जरूरी, किसी तरह की जो देरी है अप्रिय घटना है वो ना हो और बेहद ही सूझबूझ जो है वो यहां नजर आई। पीएम की जो काफिला था जो गाड़ी थी वो एक किनारे पर हमने आते हुए देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक किनारे पे वो आ जाती हैं एक साइड पे वो आ जाती हैं जिससे कि जो एम्बुलेंस है वो निकल सके और इसमें आप देख सकते हैं पीछे तक जो काफिला है वो किस तरीके से नजर आ रहा है और ऐसे में ये काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है क्योंकि जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री के जो काफिला है उससे पहले भी हमने ये देखी है इस तरह की तस्वीरें कैसे एक बार उन्होंने अपने काफिले को भी रुकवाया था और अभी भी हमने देखा जो उनका काफिला है वो साइड हो जाता है सड़क के किनारे आ जाता है जिससे जो एम्बुलेंस है वो आगे बढ़ जाए, यानी वो एम्बुलेंस को जो देरी है क्योंकि एक एक सेकंड जो है वो कीमती होता है और उस एक एक सेकंड की कीमत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके निर्देशन के अनुसार ही ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का इसको गाड़ी को किनारे ले जाया जाता है सड़क के एक तरफ ले जाया जाता है जिससे जो एम्बुलेंस है वो आगे बढ़ सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।